ये जो कह रहे हैं अंदर वाला बाहर वाला, ये बिहारिया आ गया, ये यूपी वाला आ गया, और तुम हिंदुस्तान की कुर्सी पर जाकर के गृह मंत्री बन जाओ, तुम नहीं अंदर वाला नहीं तुम बाहर वाला। तब कौन था? बीलवाड़ा को तुमने 300 कनाल भूमि किसने दी बोलो? शेख अब्दुल्ला ने दी, मैं आरोप कर रहा हूँ। कितने में दी? 10 रुपये में दी, 10 रुपये में बाहर वाले को दे दी। अब एलजी साहब अगर 5 मरले गरीबों को दे रहे हैं, तुमको बड़ा कष्ट हो रहा है यार। मैं चेतावनी देता हूँ जी, शरेआम आओ, मैं लिस्टें बाहर निकालता हूँ, आप अपनी लिस्टें लाओ, फिर बताओ अंदर वाला कौन है तो बाहर वाला कौन है। मदाने जंग के अंदर आओ ना, ये क्या 4 प्रेस वाले इकट्ठे करके प्रचार करने का प्रेस करना चाहते हो तुम लोग? शरेआम आओ मदाने जंग में, प्रेस के सामने लाओ अपनी लिस्टें, मैं भी लिस्टें लाता हूँ। मैंने क्या लिस्ट लानी है? आप खोलो आवास योजना, आप निकालो बाहर वाला कौन, उसका एड्रेस दिया हुआ सबका, और फिर गंदा प्रचार करके तुम गोलियां मरवा रहे हो, लोगों को उकसा रहे हो। टीआरएफ के पूरा वातावरण जो है, जो मिलिटेंसी का वातावरण हल्का हुआ है, वो और कैसे बढ़ जाए, तुम उसके लिए प्रयास कर रहे हो और उसके आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये टारगेट किलिंग का एक बड़ा कारण है, क्योंकि अंदर का बाहर का अधिकार छीन लिए, नौकरियां छीन ली, इसी प्रकार की जो एक मानसिकता बनाई जा रही है आम कश्मीरी, उसके बाद वो हथियार उठा रहे हैं। जब तक आप कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बातें करोगे तभी वो कामयाब होंगे। वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, अंदर वाला बाहर वाला, कौन अंदर वाला? अरे कौन अंदर वाला? जो तुम्हारे घर के अंदर सीआरपी के लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं वो अंदर वाला है कि बाहर वाला, बताओ? तुम्हारे पास डबल जेड सिक्योरिटी है, वो अंदर वाले हैं? तुम्हारे सुरक्षा चाहिए तो बाहर वाला, तुमको गोली मारनी है तो बाहर वाला, और अंदर और बाहर वाले की बात करनी है तुमने? जो टीआरएफ की भाषा बोलेंगे वो हिंदुस्तान, क्या जम्मू, हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर छोड़ो, हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेंगे। अरे तुम लोग जब दिल्ली के अंदर, अरे महबूबा मुफ्ती का पिता जब देश का गृह मंत्री था, वो अंदर वाला था कि बाहर वाला था, बताओ कौन सा था वो? जब कोई विदेश मंत्री था वो अंदर वाला था कि बाहर वाला था, बताओ ना? तब मीठा मीठा गप गप, कौड़ा कौड़ा थू थू, और जब सूट करे तब अंदर वाला बाहर वाला, और दुष्प्रचार करने की बातें तुम करने का। इसलिए सियासत हो रही है क्योंकि एलजी कामयाब हो रहा है। कश्मीरी ने तो झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। कश्मीरी ने तो झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कश्मीरी ने तो झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। कश्मीरी ने तो झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। ओए बंद करो, 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 बंद करो। कश्मीरी ने तो झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। उमर अब्दुल्ला गरीब है, जवाब दो, जवाब दो। उमर अब्दुल्ला गरीब है, गरीब है, गरीब है। कश्मीर के नेता गरीब है, गरीब है, गरीब है। कश्मीर के नेता गरीब है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 5 मरले जमीन जो है उन लोगों को दी जाएगी जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, वो वहां पर अपना घर बना सकते हैं। जिसको लेकर सियासत इतनी ज्यादा तेज हुई कि कश्मीर के तमाम जो महत्वपूर्ण चेहरे, कश्मीर के तमाम जो नेता हैं, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। महबूबा मुफ्ती सवाल खड़े करती हैं, मुजफ्फर शाह सवाल खड़े करते हैं, उमर अब्दुल्ला सवाल खड़े करते हैं, वाई तारेगामी खड़ते हैं, और उन सवालों के जो जवाब है वो जम्मू से निकल कर आता है। कार्यकाल के अंदर 70 वर्ष गरीबी फैली है, और फिर तुम टीआरएफ की भाषा बोल रहे हो, टीआरएफ की शर्म भाषा, गोली वाली, जो वो कहते हैं कि बाहर वालों को यहाँ बसने नहीं देंगे, गोली चलाएंगे, ये उनकी भाषा है, और तुम भी उसका समर्थन करने का प्रयास करो। जब इंडिया का गठन होता है, एक नया गठबंधन, तब तो बाहर के नेताओं से ही मुलाकात करते हैं, तब तो नीतीश कुमार को कहते हैं जीत दिलवा। अरे जिसका ये नाम ले रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जम्मू के कितने नेता दिल्ली में जाकर के मंत्री बने? अब ठीक है, अब गाड़ियां, झंडे, कू कू, अब कू कू किसके पीछे होता था? अब कू नहीं पसंद आया। पर मैं जो सवाल कर रहा हूं, 300 कनाल भूमि भीलवाड़ा कठुआ किसने दी बोलो? किसने दी? आपके दादाओं परदादाओं ने दी, आपके पिताजी ने दी। सब नेताओं को कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, तब वो बाहर वाला नहीं था वाला, यहाँ घी वाला 10 रुपए के अंदर 300 कनाल भूमि दी है, तब अंदर वाला। जब खुद मंत्री, जब खुद विदेश मंत्री थे, तब कूं कूं किसके साथ होता था? तब सिक्योरिटी किसके साथ थी? तब मिलिटेंसी थी भाई।
और आज भी मैं कहता हूँ कुछ संख्या के अंदर मिलिटेंसी है, कमी आई है जरूर। कहाँ है पत्थरबाज, बोलो, बोले ना नेता। इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है, टारगेट किलिंग को बंद करने के लिए आपको पहले लोगों को उसकाना। अरे मुझे एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी के अंदर से 3 PRO एक निकाल दिया, दम था किसी में? 18 एम्प्लॉय निकाले, किसी में दम था? अरे बोलो ना भाई, 18 उग्रवादी जो अंदर बैठ करके समर्थन कर रहे थे उनको बाहर काट दिया, निकाल दिया ना बाहर, किसमें दम था? इसी सरकार के अंदर दम है। मैं सरकार के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, अंदर वाला बाहर वाला। अरे कोई अंदर वाला नहीं है, कोई बाहर वाला नहीं है, और सारे अंदर वाले हैं जिनको ज़मीन अलाट हुई है। और अभी वेबसाइट खोल रहा हूँ आपके सामने, अभी लड़का गया है, इतना बड़ी फाइल है, 1,86,000, उस पर तो राजनीति की जा रही है। 70 वर्ष कितने लोगों को दिया प्रधानमंत्री जो आवास योजना, और इन्होंने कितनों को दिया? सामने सामने लाओ, आवास योजना रूरल डेवलपमेंट, खोलो वेबसाइट, सारे नाम है भाई। और फिर तुम लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, बाहर वाले आ गए, और TRF कह रहा है बाहर वालों को गोली मार देंगे, तुम कह रहे हो बाहर वाले आ गए, इसका मतलब उस गोली मारने के अंदर तुम्हारी भी सहानुभूति उनके साथ है। और फिर जो अगर सरकार के अंदर दम नहीं होता तो आज यूनिवर्सिटी से PRO बाहर निकाल दिया, 18 मुलाजम बिल्कुल टर्मिनेट कर दिए। तुम लोगों ने तो भर्ती करे थे यार, किसकी भर्ती है वो भी लिस्ट बाहर निकाल रहा हूँ, किसके कार्यकाल के अंदर कितने कितने भर्ती हुए, नो वेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था भाई साहब। ये जो PRO है इसको CID ने नो वेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया था, उसके बाद भी इन सियासतदानों ने उसको भर्ती कर दिया, और भर्ती करके आज इस सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने, इस चीफ सेक्रेटरी ने, इस LG ने उनको मुअत्तल कर दिया। इसके विषय के अंदर वो नेता कुछ कहने का प्रयास करे, मैं चेतावनी देता हूँ जी, शरेआम आओ, मैं लिस्टें बाहर निकालता हूँ, आप अपनी लिस्टें लाओ, फिर बताओ अंदर वाला कौन है तो बाहर वाला कौन है। मैदान जंग के अंदर आओ ना, ये क्या 4 प्रेस वाले इकट्ठे करके प्रचार करने का प्रयास करना चाहते हो तुम लोग? शरेआम आओ मैदान जंग में, प्रेस के सामने लाओ अपनी लिस्टें, मैं भी लिस्टें लाता हूँ। मैंने क्या लिस्ट लानी है? आप खोलो आवास योजना, आप निकालो बाहर वाला कौन, उसका एड्रेस दिया हुआ सबका, और फिर गंदा प्रचार करके तुम गोलियां मरवा रहे हो, लोगों को उकसा रहे हो। TRF के पूरा वातावरण जो है, जो मिलिटेंसी का वातावरण हल्का हुआ है, वो और कैसे बढ़ जाए, तुम उसके लिए प्रयास कर रहे हो और उसके आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो। ये टारगेट किलिंग का एक बड़ा कारण है, क्योंकि अंदर का बाहर का अधिकार छीन लिए, नौकरियां छीन ली, इसी प्रकार की जो एक मानसिकता बनाई जा रही है आम कश्मीरी, उसके बाद वो हथियार उठा रहे। जब तक आप कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बातें करोगे तभी वो कामयाब होंगे। वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, अंदर वाला बाहर वाला, कौन अंदर वाला? अरे कौन अंदर वाला? जो तुम्हारे घर के अंदर CRP के लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं वो अंदर वाला है कि बाहर वाला, बताओ? तुम्हारे पास DZ सिक्योरिटी है वो अंदर वाले हैं? तुम्हारे सुरक्षा चाहिए तो बाहर वाला, तुमको गोली मारनी है तो बाहर वाला। और अंदर और बाहर वाले की बात करनी है तुमने, जो TRF की भाषा बोलेंगे वो हिंदुस्तान क्या, जम्मू, हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर छोड़ो, हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेंगे। अरे तुम लोग जब दिल्ली के अंदर, अरे महबूबा मुफ्ती का पिता जब देश का गृह मंत्री था वो अंदर वाला था कि बाहर वाला था, बताओ कौन सा था वो? जब कोई विदेश मंत्री था वो अंदर वाला था कि बाहर वाला था, बताओ ना? तब मीठा मीठा गप गप, कौड़ा कौड़ा थू थू, और जब सूट करे तब अंदर वाला बाहर वाला, और दुष्प्रचार करने की बातें तुम करने का प्रयास करना चाहते हो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। जो मजदूरों की हत्याएं हुई है उनके घर तक महबूबा नहीं पहुंचते, आतंकी जब मर जाते हैं उनके घर तक पहुंच जाते हैं। ना बुरहान वानी के घर चेक देने के लिए, उनके साथ कोई और भी गया था वो नहीं, आप बोलता कोई प्रेस वाला जो गया था, बाबा उसकी फोटो बाहर कटो, कौन कौन गया था निकालो ना फोटो, कहाँ था DCM जो उसके साथ गया? LG ने बार बार बोला है कि ये सिर्फ लोकल इसके लिए है, लेकिन तब भी इस पे सियासत हो रही है, प्रोपेगेंडा किया, इसलिए सियासत हो रही है क्योंकि LG कामयाब हो रहा है, क्योंकि LG ने 18 बंदे निकाल दिए। PRO को निकालना आसान खेल था, वो PRO है कौन? उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब लेते हैं ना, जब सरकारी भर्ती होती है, उसके पास नहीं था भाई साहब, किसने दिलवाया? अरे बाबा वो भी कागज़ बाहर ला रहा हूँ, दिलवाया किसने? वो भी कागज़ बाहर कटूँगा। ये जो कह रहे हैं ना अंदर वाला बाहर वाला, ये बिहारिया आ गया, ये UP वाला आ गया, और तुम हिंदुस्तान की कुर्सी पर जाकर के गृह मंत्री बन जाओ, तुम नहीं अंदर वाला, नहीं तुम बाहर वाला, तब कौन था?
बीलवाड़ा को तुमने 300 कनाल भूमि किसने दी, बोलो? शेख अब्दुल्ला ने दी, मैं आरोप कर रहा हूँ। कितने में दी? 10 रुपए में दी। 10 रुपए में बार वाले को दे दी। अब एलजी साहब, अगर 5 मरले गरीबों को दे रहे हैं, तुमको बड़ा कष्ट हो रहा है यार। तो साफ तौर पर जवाब यही है कि जब आप भारत सरकार में मंत्री होते हैं तो आपके बोल कुछ और होते हैं, लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर में सत्ता से बाहर होते हैं तो आपके बोल कुछ और होते हैं। आपकी भी मर्जी बने, देखते जम्मू सुहान।